वेलकम बैक टू माई चैनल गौतम वाजपेयी ब्लॉग्स। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, हम आए आज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन बॉस्टन साउथ शोर एरिया। जी हाँ, इस मॉल को साउथ शोर प्लाजा कहते हैं। यहाँ पे ये थ्रेडिंग्स पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी मैंने आईब्रोज किए हैं तो यहाँ पे $14 चार्ज है और ऊपर हमें टिप भी देना पड़ता है। फिर रिसिट देख सकते हैं, $14 यहाँ पे जो चार्ज है। तो अभी मैं ठहरा हूँ साउथ शोर प्लाजा में और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो कुंग फू टी लिखा हुआ है। जी हाँ, ये एक चाय की काउंटर है या चाय की दुकान है और ये एक चाइनीज टी स्टॉल है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक लग्जरी गिफ्ट आइटम का शॉप है। बहुत सही गिफ्ट आइटम्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ये जो साउथ शोर प्लाजा है, ये एक टू लेवल मॉल है। ये ग्राउंड लेवल और इसके ऊपर एक अपर लेवल। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है आपको, फ्रॉम लग्जरी शॉपिंग टू बेसिक शॉपिंग। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट्स भी है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो शॉपिंग के अलावा, आप यहाँ पे सारे फूड का मज़ा भी उठा सकते हो। जब मैं साउथ शोर बोलता हूँ तो ये साउथ शोर बॉस्टन का साउथ एंड है और शोर के बहुत करीब है। ये आप देख सकते हैं मैप में एग्जैक्टली जब मैं साउथ शोर बोलता हूँ तो कौन सा पार्ट है। और ये मॉल जो अभी हम आए हैं साउथ शोर प्लाजा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स है इन साउथ शोर एरिया। जो पीछे देख रहे हैं क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के अंदर आपका फोटो का आर्ट बना के देते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर है। ये देखिए उसका एक झलक। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो इनको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है और ये ऑर्डर देने के बाद लगभग अराउंड 2-3 दिन में आपका वो क्रिस्टल बना के रेडी रखते हैं। और अलग अलग साइजेस है और अलग अलग साइजेस के अलग अलग प्राइस है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स। यहाँ पे हम लोग एवरी ईयर आते हैं, यहाँ पे ज़बरदस्त सेल लगा हुआ रहता है। आप यहाँ पे आके बहुत सारे अपने आप के लिए कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, कैंडल्स भी खरीद सकते हो, परफ्यूम्स खरीद सकते हो, बेसिकली एवरीथिंग विच रिलेट्स टू बाथ एंड बॉडी वर्क्स। ये एक बेस्ट है इन केस ऑफ ऑल द टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स।
बेसिकली जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्टर्स रखे हुए हैं, आप आके टेस्ट करके उनका फ्रेग्रेंस लेके फिर आप खरीद सकते हैं। आ गया है सेकेंड लेवल पे और मैं जाके दिखाऊंगा आपको यहाँ का फूड कोर्ट जो कि जबरदस्त है। तो चलिए चल के देखते हैं इस मॉल का फूड कोर्ट। तो बेसिकली ये है यहाँ का कैफेटेरिया। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी एक छोटा सा प्लेस बनाया गया है और बहुत सारी सीटिंग अरेंजमेंट है। ये कैफेटेरिया छोड़ के अगर हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमको बहुत सारे डाइनिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। वेजिटेरियंस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, पिज़्ज़ा है, पीछे शवरमा है, आप उसमें जाके फलाफल ले सकते हो, और नीचे चिपोटले है, और उसके बाजू में ही आपको चीज़ केक फैक्ट्री भी मिलेगा। ये मॉल है एक एल शेप में है, तो अभी हम एक एंड पे है, तो अभी हम यहाँ से वॉक करके दूसरे एंड पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये मॉल कितना बड़ा है और चारों तरफ आपको यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। और इसके मॉल के पीछे ही जो अटैच्ड पार्किंग गैराज है, आप पार्किंग गैराज में भी पार्क कर सकते हो। और जैसे कि मैं बता रहा था आपको डाइनिंग ऑप्शन, आप राइट साइड में जाओगे तो आपको यहाँ का फेमस अमेरिकन रेस्टोरेंट 99 भी मिल जाएगा। ये जो साउथ शोर प्लाजा है,
एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है वीकेंड डे आउट के लिए। आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत सारे अच्छे दुकान है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो बहुत सारे क्लोथिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो, नहीं तो यहाँ पे फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में आके फूड एंजॉय कर सकते हो। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक फेमस चॉकलेट शॉप है जो स्विस चॉकलेट बेचता है। हम इस मॉल में अक्सर आते हैं, बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड होता है, और कुछ शॉपिंग करना है तो शॉपिंग और कुछ ईटिंग भी हो जाता है कैफेटेरिया में। में कहीं काफ़ी सारी जगह ऐसे छोटे छोटे टेबल बनाए गए हैं ताकि आप मॉल अगर फिरते फिरते थक जाओ तो आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट ले सको। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा डेकोरेशन अभी भी रखा गया है यहाँ पे। ये सब क्रिसमस के टाइम पे और न्यू ईयर के टाइम पे बनाए गए थे। जी हाँ, अभी भी ये डेकोर यहाँ पे ऐसे ही रखा गया है, बहुत सुंदर दिख रहा है देखने में। आप देखते होंगे मैंने अभी भी मास्क पहना हुआ है। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में मास्क पहनो, बट हम अपने सेफ्टी के लिए अभी भी मास्क पहन रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे जो ओमिक्रॉन है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो जहाँ पे पल्लवी बैठी है, ये एक छोटा फ़ोटो स्टॉप बनाया गया है, आप यहाँ पे बैठ के बाहर से फ़ोटो खींच सकते हो और बहुत ही सुंदर फ़ोटो आएगा। एक फोटो स्टॉप मैंने अभी आपको दिखाया, ये एक ऑर्नामेंट है जो क्रिसमस ट्री पे लगाते हैं, ऊपर थोड़ा एक हुक भी किया गया है, तो जबरदस्त। ये अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो जो DSW लिखा हुआ है, ये यहाँ का एक शूज का शोरूम है जो हर तरह के ब्रांड रखता है, और ये एक डिस्काउंटेड स्टोर है। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हर तरह के शू ब्रांड पे हमको डिस्काउंट मिल जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे मेरा फिंगर दिख रहा है, उस शॉप का नाम है लहसुन पार्क। जी हाँ, ये इंडिया वाला लहसुन नहीं है, ये लहसुन कुछ अलग है, सिर्फ नाम लहसुन पार्क है। के भी आपने देखा हम आ गए हैं प्राइमार्क, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। ये एक क्लोथिंग स्टोर है, ये एक UK ब्रांड है जो यहाँ पे भी एस्टैब्लिश हुआ है, बहुत सारे आउटलेट्स हैं इसके यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कम दाम में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आपको सस्ते में बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था साउथ शोर प्लाज़ा। आशा करता हूँ ये आपको ये साउथ शोर प्लाज़ा मॉल का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई न्यू इंग्लैंड रीजन से देख रहा है, मैसाचुसेट्स से, और कभी साउथ शोर प्लाज़ा विज़िट किया है, तो
तो प्लीज़ एक लाइक और नीचे कमेंट्स दे दीजिएगा। हम इसी तरीके से मैसाचुसेट्स से और बॉस्टन सराउंडिंग एरिया से आपके लिए और बहुत सारे व्लॉग्स लाएंगे, बहुत सारे जगहों का और चीज़ों का। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड स्टे सेफ।